चौवन 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, जगदेव बाबू ने कहा था। अब इसको सच करना है? जी हाँ, एकदम सच करना है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बाबू। जगदेव पर 95% के लीडर थे, 90% का। आज हमको उसका उनका बदला लेना है। उनका त्याग, तपस्या, बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा इस बिहार के, पूरे हिंदुस्तान में। बोले थे आलोक मेहता तो उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। उनको मारने वाला खुद मर जाएंगे। आप लोग साथ हैं? हम एकदम उनके साथ हैं, मेहता जी के साथ हैं। तो गलत हुआ, धमकी मिल गया, इतना हिम्मत कैसे है कि धमकी मिल जाएगा? 10 का नहीं होगा कभी। वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं आपके मंत्री जी को। अब ले, उनका शुरू से यह नीति रही है। अभी हम पटना के बापू सभागार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बापू का यहाँ पे तस्वीर, पुतला बनाया गया है। और आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जन्म जयंती है। और देखिए कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और इस आयोजन को बुलाए हैं आलोक मेहता। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बापू इनका जन्म जयंती है, जगदेव प्रसाद, महान समाजवादी नेता बाबू जगदेव प्रसाद जी के जन्मतिथि को उनका शताब्दी समारोह मनाने। कहाँ से? हम सीतामढ़ी से हैं, सोनवर्षा से। सीतामढ़ी से आप आ गए जी? तो सौ में 90 शोषित है, 90 पर 10 में शोषित, सौ में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, जगदेव बाबू ने कहा था। अब इसको सच करना है? जी हाँ, एकदम सच करना है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये बोले थे आलोक मेहता तो उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। उनको मारने वाला खुद मर जाएंगे। आप लोग साथ हैं? हम एकदम उनके साथ हैं, मेहता जी के साथ हैं। अभी मेहता जी के साथ हैं? जी हाँ, पूरा समाज, एकदम पूरा समाज उनके साथ है, आलोक मेहता के साथ। जी हाँ, आलोक मेहता को डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। अरे अंदर आइए ना, अंदर। बापू इनका सपना पूरा करना है, जगदेव बाबू का सपना पूरा करना है। नंबर आप क्या कहिएगा? हम लोग भी सर उसी का सपना पूरा करना है। तो आप लोग साथ में हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम साथ में है। कहते कि और लोग भी पहुंचे हैं, आज जगदेव बाबू की जयंती है। ये भी कहते थे कि 90% का शासन नहीं चलेगा और आज उनका जन्म जयंती है, पहुंचे हैं आप लोग। आलोक मेहता बोले तो उनको जान से मारने की धमकी मिल गई। आलोक मेहता को? हाँ? तो गलत हुआ, धमकी मिल गया, इतना हिम्मत कैसे है कि धमकी मिल जाएगा? जान से मारने की धमकी मिल गया उनको? हाँ, तो गलत हुआ। तो जगदेव बाबू का सपना कौन पूरा करेगा? हम लोग करेंगे, सब लोग हम लोग बिल्कुल, हम लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं हर वक्त, हर वक्त कटिबद्ध हैं उनका सपना पूरा करने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं लोग, में तो आप लोग पीछे से हैं। एकदम एकदम, आप लोग देख नहीं रही है भीड़ जो है कितना बेसब्री से उनके जयंती मनाने के लिए उत्सुक है। कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पागल है। हाँ। बाबू जगदेव पर 95% के लीडर थे, 90% का। आज हमको उसका उनका बदला लेना है। उनका त्याग, तपस्या, बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा इस बिहार के, पूरे हिंदुस्तान में 100 का शासन, 90 का शासन होगा, 10 का नहीं होगा कभी। वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं आपके मंत्री जी को। अब ले, उनका शुरू से यह नीति रही है। लेकिन आज हम शिक्षित हैं, आज हमको जानकारी है मनुवाद के अत्याचार की, संपूर्ण जानकारी है हमको। आज हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? जी नहीं, आज बल बुद्धि सब कुछ हमारे पास है, हम जवाब देने के लिए तैयार। क्या हिंदू है? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, कोई हिंदू, हम लोग हिंदू है ही नहीं, हिंदू हम लोग है ही नहीं। बाबा साहब कितना कैटेगरी में बांटे हैं? चार कैटेगरी वर्ग वाइज है ना, ओबीसी, हम लोग ओबीसी, बस ओबीसी है, हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामान्य लोग। आप लोग जो जगदेव बाबू का सपना था उसको पूरा करिएगा, जो आगे बढ़ेगा उसके साथ है। जी साथ है, एकदम हम लोग उनके साथ हैं, जगदेव बाबू के साथ हैं, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना है। युवा जगह है कि नहीं, युवा का नींद टूटा है कि नहीं? अभी बिल्कुल 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 टूटा है। क्या जान रहा है जगदेव बाबू के बारे में? जगदेव बाबू हमारे कुशवाहा समाज के लिए बहुत बड़े नेता थे, पहले समाज से भी रह चुके हैं, पहले समाज से भी रह चुके हैं, अब उनके आधार पर जनता जितने भी है अगर उस तरह रहे तो समाज में एक नया बदलाव आएगा।
तो हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र ऐसा कुछ नहीं। देखिए जो जातिवाद करते हैं वह नेता नहीं, कहें तो फक दलाल कहते हैं। जातिवाद करके वोट लेते हैं, जीतते उसके बाद तो फिर जातिवाद खत्म। वह हिंदू हम आप हाथ काटिएगा तो आप बताइएगा आपका हिंदू का खून है कि मुस्लिम का खून है, ऐसा तो नहीं ना। हम सब एक हैं, बस ऐसा ही राष्ट्र हमें चाहिए। अब युवा जग गया है, जगदेव बाबू का युवा जग गया है। बिल्कुल युवा जगा है और जगे ही रहेगा। हम जैसे युवा पीढ़ी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जानते उनके बारे में, जो नहीं जानते हैं। आजकल के युवा भगवा में ज्यादा भरोसा रखते हैं। देखिए ऐसे कुछ युवा हैं जो भगवा में भरोसा रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रखते, वो रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ युवा हैं जो भगवा में भरोसा नहीं रखकर अपने एक समान रखते हैं, जातिवाद नहीं करके हम भाईचारा के तरह रहते हैं, उस तरह कुछ युवा है। यहाँ पे बापू सभागार में हजारों की भीड़ है। आज जगदेव प्रसाद की 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उनको गोली मार दिया गया था उन लोगों के द्वारा जिन लोगों के खिलाफ वो बोलते थे और लगातार कहते थे कि 90/10 का शासन नहीं चलेगा। और देखिए यहाँ आज आपको दिखलाएंगे कि बापू सभागार में जगह जगह ये तस्वीरें लगाई गई हैं, उस स्लोगन को दोहराया गया है जो कभी जगदेव प्रसाद बोला करते थे। आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और यहाँ पर जाति आधारित राजनीति संगठन, ये जाति आधारित जो राजनीति करते हैं वह तस्वीरें लगाई गई हैं। अभी यहाँ पे युवाओं से हमने बात किया जो जगदेव बाबू को मानने वाले युवा हैं, इनका कहना है कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए, हमको अपना जो हक था वो चाहिए और जगदेव बाबू का सपना पूरा करेंगे। और अभी भी देखिए सुबह से ही यहाँ पे लोग आ रहे हैं लगातार, अभी भी हम बापू सभागार के दरवाजे पर मौजूद हैं और देखिए कि हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा बापू सभागार में है। लोग पूरे अलग अलग बिहार के हिस्से से आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? बछवाड़ा विधानसभा से। कितने लोग आज यहाँ जुटेंगे? बहुत लोग जुटेंगे, 5,000 से ज़्यादा लोग जुटेंगे। देखिए यहाँ पे जो है जमावड़ा है, युवा लोग भी आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से भी लोग आ गए? हाँ। तो आप लोग कहाँ हैं? बापू इनका सपना, जगदेव बाबू का जो सपना था जी करना है जी, सिर्फ ऐसे ही आ गए? नहीं नहीं, हम लोग चेरिया बरियारपुर विधायक राजवंशी बाबू के तरफ से आए हैं। अच्छा जी, आप लोग लेकर जी जी लगभग 2-3 हज़ार आदमी आए हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर जो है आज बापू सभागार की तस्वीरें देखिए, सुबह से लगातार एंट्री हो रही है। ये देखिए भीड़ हम आपको दिखला रहे हैं लगातार, ये सभी लोग जो हैं पहुँच रहे हैं बापू सभागार। और जैसे कि हाँ क्या कहिएगा सर? क्या कहेंगे? जो कहेंगे अच्छा कहेंगे सर। क्या पूछना चाहते हैं पूछिए हमसे सर आप। जगदेव बाबू का जयंती है, उनका सपना था कि 90% का राज आए, 10% का नहीं। तो सर 90 उन्होंने सही कहा है, लेकिन लोग नेता जब बोले तो उनको गोली मारने की धमकी दी गई। सर देखिए अच्छे लोगों के साथ अक्सर लोग विवाद में आ जाते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? आप अच्छे हैं, आप अच्छा दिखाइएगा तो दुनिया आपके साथ है। तो आप लोगों को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए जी, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं मोदी जी। सर हम आप हमारी बात को समझिए, हिंदू मुसलमान कोई नहीं है सर इस देश में, है सब इंसान का देश है, इंसान के धर्म है। जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदू मुसलमान की बात होती है। ओबीसी पिछड़ा जग चुका है सर, पूरा देखिए ना, पूरा पटना पूरी दुनिया जग चुका है सर, पूछने वाले लोग हैं किसी भी चीज को देख। मौलाना साहब भी पहुंचे, आप भी आ गए हैं जगदेव बाबू की जयंती जी? बिल्कुल, हम आए हैं आपका भोजपुर जिला आरा गढ़हनी राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं हम। अच्छा, मोहम्मद रफी रिजवी। तो आज यहाँ पे जो पूरे बिहार भर से लोग आए हैं, कितना लोग आएंगे क्या अनुमान? देखिए पार्टी का आदेश हुआ है कि जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बाबा पहुंच गए हैं पूरे तरीके से, भगवा चंदन मुड़ी पर लगाए हुए हैं सर पे। बाबा ये तो जगदेव बाबू का जयंती है जी, जी भगवा धारण वगैरह करके पहुंच गए हैं। हम यही ड्रेस सब नहीं पहनते हैं, तो इनको जयंती माने से कपड़ा पहनने से तो बहुत अच्छा होगा, खराब कुछ होने वाला है नहीं होना। जगदेव बाबू का क्या सपना था, कैसे पूरा हुआ? ये इनका सपना था जो हमारे देश में, हमारे राज्य में जो है सो पिछड़े वर्ग का जो शासन चले और उसका जो है सो राज रहे और सभी लोग सुखी संपन्न से रहे, उनका यही सपना था। मोदी जी भी पिछड़े से हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी? हाँ वो है, लेकिन वो जो है सो हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं? हाँ हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छा। लेकिन ये जो है सो अगले जो जाति के लोग हैं उनको अधिक सम्मान देते हैं और पिछले लोगों को। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू तो उसमें सर्वश्रेष्ठ हमेशा रहेगा। हाँ सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ लगा, लेकिन हमसे जनसंख्या उनका कम है, लेकिन हम पर शासन वही करना चाहते हैं, हम लोग उनसे जनसंख्या में ज्यादा हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम लोग तो आपको संविधान का राष्ट्र चाहिए कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्या चाहिए? हम लोगों को संविधान को राष्ट्र चाहिए, हिंदू बोला हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन सबको सम्मान होना चाहिए, हिंदू हो या हिंदुस्तान कुर्बानी हम कह दीजिए, हिंदू हो या आप कह रहे
आप हम हमारा सुनिए, हिंदुस्तान आजादी की देश है, यहाँ कुर्बानी दे करके देश आजाद किया गया है, कोई हिंदू मुसलमान के मुसलमान का देश नहीं है। जी आप हिंदू राष्ट्र तैयारी चल रही है हिंदू राष्ट्र, अपना जवान है कुछ भी बोल लीजिए, आप पत्रकार है तो अब आपको साहेबे ना कहेंगे कि कैसे कि कहेंगे कितना अच्छा लगेगा। यहाँ कुर्बानी देने के बाद देश आजाद हुई है, यहाँ कोई का देश नहीं है, किसी को साहेब हिंदुस्तान हिंदुस्तान आजादी कुर्बानी का देश है। बहुत बुजुर्ग मौलाना मौलवी पंडित कुर्बानी दिए है, तो कुर्बानी का मतलब क्या होता है सर जानते हैं? कुर्बानी का मतलब होता है किसी कुर्बानी के देख करके यादगार बनाना। हिंदुस्तान के बाद आलोक मेहता ने आप लोगों को जगा दिया, लालू यादव के बाद आलोक मेहता, आलोक मेहता जी ने तो पूरे बिहार के लोगों को जगह देने का काम करते हैं। जी आज देख लीजिएगा आप, आलोक मेहता को जो धमकी मिल रही है तो पूरा लोक साथ है। अब आप हम अभी कुछ आपको हमसे कुछ गलत पूछ लीजिएगा, आपको धमकी लोग दे देगा। जो हारता है वो धमकी देता है और जो जीतता है गला लगाता है। सर जो डरपोक है वो धमकी देता है। हाँ याद रखिएगा कि तुमको देख लेंगे। अरे कल सूरज तो तुम देखिए नहीं पाओगे, हमको क्या देखोगे? जब तक भगवान ईश्वर अल्लाह की मसलियत नहीं होती है कहीं कुछ नहीं होता। ये हिंदुस्तान कुर्बानी करने के बाद देश आजाद हुआ सर, ये हिंदुस्तान आजाद देश है और आप लोग जैसे शिक्षित लोग हिंदुस्तान को कायम रखे हुए हैं। जाहिर लोग और कम पढ़े लिखे लोग को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ऐसा हम लोगों के संविधान में नहीं है और ना हम लोग ऐसा चाहते हैं। चलिए तो कल हम जब आलोक मेहता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी जो कौम है, जो हमारे मानने वाले लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो नींद में आ गए थे, भंगवा रहे थे, तो उनको हमने हिला करके जगाने का काम किया। और आज तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनके आँखों में सिर्फ अपने अधिकार का सपना है, ना कि हिंदू राष्ट्र का सपना है।